हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम एंड वेलकम बैक टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल आरजे शुभम चंदेल। सो गाइस, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ एडमिशन इन पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज 2024-25 जो है वो लास्ट डे है आज। अगर आज आप लोग अपना फॉर्म कंप्लीट नहीं कर पाते हो तो उसके बाद आपके पास कोई चांस नहीं होगा एडमिशन का। पूरा अपडेट क्या है वो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके बाद का प्रोसीजर क्या है, कब आप लोगों को फी पेमेंट करनी है, फाइनल मेरिट लिस्ट कब आएगी और उसके बाद कब आप लोगों को क्लासेस ज्वाइन करनी है, वो सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आपको एडमिशन रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो यहाँ पर आप लोगों को oneform.org का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में प्रोवाइड करवा रखा है। इनका व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप इनसे इनका मेंबरशिप लिंक लेकर के इनके एक्सपर्ट से जो भी क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, पीजी एडमिशंस की हम बात कर रहे थे तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि 19 तारीख को जो है वो शेड्यूल रिवाइज कर दिया गया था, 18 को लास्ट डेट थी और अब 19 को रिवाइज करके 24 को लास्ट डेट कर दी, यानी कि आज आप लोगों की फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है। तो अब आप लोगों को जो है वो क्या करना है आगे, तो एप्टीट्यूड टेस्ट का पहले तो शेड्यूल है कि ये देखिए एमए हिस्ट्री के लिए इंटरव्यू के लिए बुलाया है इन्होंने, और उसके अलावा एमए ह्यूमन राइट्स में यहाँ पर बुलाया है इन्होंने काउंसलिंग शेड्यूल के लिए, और जिन जिन डिपार्टमेंट में काउंसलिंग है ना उन सब का यहीं पर एप्टीट्यूड टेस्ट और काउंसलिंग वाले इसमें जो है वो आ जाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स, जो शेड्यूल है वो हम बात कर लेते हैं कि आज आप लोग जो है वो अपना फाइनल फॉर्म सबमिट कर दोगे 24 को शाम तक, मुझे उम्मीद है। और ये अगर आप लोगों को अभी भी कोर्सेज के बारे में कंफ्यूजन है तो ये डिपार्टमेंट एंड कोर्सेज में जाकर के देख सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट अपडेट, न्यूज या फिर वार्निंग समझ लीजिए कि अगर आपने पीयूसी टी पीजी एंट्रेंस दिया है, पीजी लो एंट्रेंस दिया है तो भी आप लोगों को ये फॉर्म फिल करना है। अगर आप ये फॉर्म फिल नहीं करते हो तो और आपका एंट्रेंस में रैंक 1 भी है तो भी आप लोगों की एडमिशन जो है वो नहीं होगी। ये बात आप लोग नोट कर लीजिए, ध्यान रखिए। तो एप्टीट्यूड टेस्ट का शेड्यूल आप लोग देखते रहिएगा, आप लोगों को यहाँ पर पता चल जाएगा। इंपॉर्टेंट शेड्यूल पर अगर हम जाते हैं तो 29 तारीख को आप लोगों के जो है वो वेरिफिकेशन होगी, जो जो डॉक्यूमेंट आप लोगों से मांगे जाएंगे आप लोगों ने देने हैं। फिर 30 को वेरिफिकेशन कंप्लीट, एप्टीट्यूड टेस्ट और डिपार्टमेंट टेस्ट 26 से लेकर के 26 जुलाई से लेकर के 30 जुलाई के बीच में कंप्लीट कर लिए जाएंगे। उसके बाद 31 और 1 तक आपका रिजल्ट तैयार कर लिया जाएगा एप्टीट्यूड टेस्ट का, और उसके बाद टेंटेटिव मेरिट लिस्ट अपलोड होगी 2 तारीख को। अब टेंटेटिव मेरिट लिस्ट में बहुत ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, टेंटेटिव मेरिट लिस्ट इज नॉट द फाइनल मेरिट लिस्ट एंड द सिलेक्टेड एडमिटेड कैंडिडेट लिस्ट। ये लिस्ट सिर्फ उन कैंडिडेट्स की होती है जो एडमिशन फॉर्म कंप्लीट किया होता है, जिन कैंडिडेट्स ने उनकी ये लिस्ट होती है। फिर इस लिस्ट में कई बार ऐसा होता है कि किसी कैंडिडेट का कोई डॉक्यूमेंट रिजेक्ट कर दिया जाता है, किसी की मेरिट कम दिखा दी जाती है, तो उन कैंडिडेट्स को जो है वो ऑब्जेक्शन करने के लिए एक टाइम दिया जाता है, तो 3 तारीख तक आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो। उसके बाद जब ऑब्जेक्शन रिमूव कर दिए जाएंगे 5 तारीख तक, तो 7 तारीख तक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगी। अब प्रोविजनल मेरिट लिस्ट क्या होता है कि उसमें आपके मेरिट के अकॉर्डिंग आपको रैंक्स दिए जाते हैं और एक पूरी लिस्ट सभी कैंडिडेट्स की बना दी जाती है, तो वो प्रोविजनल लिस्ट होती है। उसके बाद आता है कि प्रोविजनल एडमिशन लिस्ट। प्रोविजनल लिस्ट और प्रोविजनल एडमिशन लिस्ट में इतना अंतर है कि प्रोविजनल लिस्ट में मेरिट लिस्ट में सभी कैंडिडेट्स होते हैं, बट प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आपकी मेरिट 2 सेक्शंस में होती है, एक सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की, दूसरा वेटिंग कैंडिडेट्स की। तो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उन्हें फी पेमेंट करनी होती है, जो वेटिंग में होते हैं उन्हें वेट करना होता है। तो सबमिशन ऑफ प्रोविजनल एडमिशन लिस्ट आफ्टर रिमूविंग टू द DOI ऑफिस, DOI मैम को भेजी जाएगी कैटेगरी वाइज बाय द डिपार्टमेंट। तो ये जिन डिपार्टमेंट में काउंसलिंग नहीं है वो 8 से 9 तारीख के बीच में आप लोगों को सारी मेरिट लिस्ट जो है DOI ऑफिस पहुंच जाएगी। अब डिपार्टमेंट जिन्होंने काउंसलिंग करनी है वो 9 तारीख तक जो है 9 से 14 के बीच में अपनी सारी मेरिट लिस्ट भिजवा देंगे। अब जो आप लोगों को प्रपोजिंग काउंसलिंग, द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ प्रोविजनल एडमिशन लिस्ट जो है वो 16 से 17 तारीख है। अब अप्रूवल ऑफ मेरिट लिस्ट बाय DOI ऑफिस 21 अगस्त तक अप्रूवल होगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि 21 अगस्त तक आप लोगों की सारी मेरिट लिस्ट जो है वो आ जाएंगी। ये कब से लेकर के कब तक है, तो 8-9 से लेकर के, यानी कि 10 तारीख आप लगा करके चलिए, 10 से 21 के बीच में 11 दिनों में सारी मेरिट लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद जब आपको 21 दे रखा है तो 24
अगस्त से मैं कह सकता हूँ 24-25 अगस्त से आपकी फाइनल क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो गाइस आई होप कि आप लोगों को पूरा प्रोसीजर समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप दोबारा से एक बार वीडियो देख लीजिए और हाँ आज के आज अपना फॉर्म कंप्लीट कर लीजिए। अगर एडमिशन में कोई डाउट है तो 1form.org को आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इनकी टीम को, और इसके बाद आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम हैंडल और इंस्टाग्राम के थ्रू आप हमसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं, वहां पर आप लोगों को लिंक दिया हुआ है। थैंक यू सो मच गाइज आप लोगों के सपोर्ट के लिए। मिलते हैं जल्दी एक और वीडियो।